तो वेलकम टू पाठशाला मैथ। तो आज हम लोग क्लास 12 गणित का जो चैप्टर 5 है, 5.1 जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग 12 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अब आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत मजा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चों लोग का कमेंट भी बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है कि सारे बच्चे को समझ में आ गया है, मेरे को पता है। और आज भी हम पार्ट 3 में भी बहुत ही इजी तरीका से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि बहुत मज़ा आएगा आप लोग को सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 13 क्वेश्चन यानी 13 नंबर कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव यदि एक से क्या है छोटा या बराबर है, और एक्स माइनस फाइव यदि एक से बड़ा है एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए बहुत ही इजी तरीका से। जो आप लोग को बताया था ना वही मेथड, मेथड क्या था, फिगर बनाना सीखिए पहले। और जिनको हम बताए थे कि जिनको मेरा फिगर बनाने आ गया ना, उनका जो संतता की जांच है बहुत इजी होता है, पर्सनली 5.1 उनके लिए एकदम मक्खन बन जाता है। इतना याद रखो, ये जो मेरा तरीका है बहुत ही बेहद अच्छा तरीका है, ये पूरे YouTube में नहीं मिल सकता है, इतना समझ लेना। अब देख लेना, चेक कर लेना, हम अपने खुद के बड़ाई नहीं कर सकते। अब यहाँ देखो क्या होता था, यहाँ आर एच एल पता है ना, और यहाँ क्या होता था डायरेक्ट लिमिट, और यहाँ पर क्या होता था एल एच एल, पता था ना। अब चलिए हम चेक करेंगे कि एक्स बराबर में क्या दिया है एक, तो डायरेक्ट लिमिट में एक्स बराबर एक लिख देंगे। जब राइट में जाएंगे तो एक से बड़ा होता है, यानी एक्स जो होगा एक से बड़ा होना चाहिए। जब लेफ्ट में आएंगे तो एक्स क्या होगा एक से छोटा होना चाहिए, ये तो बात पता है सबको। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि जब ए हम रख दिए तो एक्स के लिए एफ एक्स का मान क्या दिया है, जब एक्स बराबर एक है तो एफ एक्स का मान, जब एक से बड़ा है एक्स तो उसके लिए एफ एक्स का मान, और जब एक्स का मान एक से छोटा है उसके लिए एफ एक्स का मान, सबके लिए तो मान होना चाहिए। तो देखो जब एक्स बराबर एक है यानी एक्स बराबर एक यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके लिए एफ एक्स का जो मान बन रहा है ए वाला बन रहा है एक्स प्लस पाँच, तो हमने लिखा एक्स प्लस पाँच। ठीक, अब एक से बड़ा के लिए एफ एक्स का मान, एक से बड़ा के लिए एफ एक्स का मान क्या बन रहा है ए वाला एक्स माइनस पाँच, तो एक्स माइनस पाँच हो गया। और एक से छोटा के लिए भी देखो एक्स बराबर एक के लिए भी एफ एक्स का मान यही बनेगा, और एक से छोटा के लिए भी एक्स क्या बनेगा एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस पाँच ही बनेगा, ये हो गया एक्स प्लस पाँच। समझ में आई सबको बात, और जिनको ये फिगर समझ में आ गया ना बाबू, आप कभी भूल नहीं सकते हो मेरा तरीका पूरे लाइफ में। और यदि किसी को बताओगे, किसी स्टूडेंट को बताओगे ना, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये तरीका अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताना, ये तरीका पूरे यूट्यूब में बात कर रहे हैं, बहुत ही इजी तरीका है। मैं 100% कह सकता हूँ किसी का ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जितना हम इजी तरीका से आपको फलन यानी संतत पढ़ा देते हैं। ठीक है, अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, मतलब जो है वो बता रहे हैं और क्या। ठीक है, हम बहुत सारा यूट्यूब पर देखते हैं, कभी कभी टाइम मिलता है तो इतना लेंदी लेंदी पढ़ाया रहता है ना कि हमको ही समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप लोग के लिए हम मेहनत करके इस मेथड हम एक अलग से बनाए हैं 5-6 टीचर को मिला करके। ठीक है, जो कि आप लोग के लिए बहुत बेहतर होगा। तो फिगर बनाने जिनको आ गया, समझो कि संतत बनाने आ गया मेरा तरीका से, तो फिगर बनाने में क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलो अब प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले आर एच एल, आर एच एल, आर एच एल का आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, डिफिनेशन क्या पढ़ाए थे कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच होता है, यही ने बताए थे, इसको याद रखिएगा। आर एच एल के लिए डिफिनेशन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच होता है। अब इसको आगे सॉल्व करिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, अब भैया ए का मान क्या होता है, तो ए का जो मान होता है जो एक्स के बराबर में दिया रहता है तो क्या है एक, तो क्या भर दो यहाँ पर एक, अब प्लस में एच है तो एच, एफ एक्स, एक्स का मान क्या बन रहा है एक प्लस एच। अब क्या करेंगे इसको इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स, एक्स का मान है वन प्लस एच, तो इसको भर दो वन अब प्लस एच अब प्लस में फाइव, अब एच का मान जीरो है इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा
वन प्लस जीरो प्लस में 5 है, इन दोनों को जोड़ देंगे, एक और जीरो जीरो सॉरी एक और जीरो एक, एक का 5 6, आर एच एल आपका आ गया 6। अब हम एल एच एल निकालेंगे। एल एच एल क्या होता है, इसका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए कहाँ है, एक्स बराबर जो डायरेक्ट दिया रहा था उसको रख देते हैं, तो वन माइनस एच। अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स के बदले, इसके लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव है ना। अच्छा अच्छा एक मिस्टेक हो रहा है कि इसके लिए जो एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस फाइव है ना, यहाँ पर माइनस होगा यार, मिस्टेक्स लिख दिए प्लस, तो एक में से माइनस पाँच जाएगा माइनस चार होगा। ठीक है, इसको देखो ये क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स, एक्स का मान यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू है ना एक्स प्लस फाइव है, तो एक्स के बदले वन माइनस एच अब प्लस फाइव, अब एच का मान जीरो भर दो तो वन माइनस जीरो अब प्लस पाँच, ए हो जाएगा छः। ठीक है, मिस्टेक हमें यहाँ पर लिखा गया था क्योंकि एफ एक्स का मान एक्स माइनस पाँच है ना, एक्स माइनस पाँच पर सॉल्व करेंगे। अब हम डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट क्या है, एक्स इजकल टू वन है तो एफ वन भर देंगे इसमें, एक्स के जहाँ जहाँ डायरेक्ट लिमिट में जहाँ जहाँ एक्स है वो डायरेक्ट भर देंगे, तो एफ एक्स, एक्स का वैल्यू वन रख दिए, एक्स प्लस फाइव है तो वन प्लस फाइव हो जाएगा, तो वन और फाइव कितना हो गया सिक्स। अब देखो अब यहाँ मिलाओ तो आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर डायरेक्ट लिमिट, आर एच एल और डायरेक्ट लिमिट बराबर रहता है तो हम संतत बोल सकते हैं, या तीनों बराबर होगा तो संतत बोल सकते हैं, लेकिन जब हमारा आर एच एल और एल एच एल ही बराबर नहीं होगा तो फिर हम इसको संतत नहीं बोलेंगे, लिखेंगे नॉट इजकल टू आर एच एल नॉट इजकल टू एल एच एल। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह फलन संतत नहीं है, यह फलन ऐसे लिखो, यह फलन x बराबर एक पर संतत नहीं है, हो गया। तो बहुत ही ईजी है, जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 12 तक बताए थे ना उसी तरीका से ये भी बना, तो आप लोग बनाना सीखो। ठीक है, लिमिट का क्वेश्चन से डरो नहीं, लड़ो। ठीक है, बहुत ईजी होता है लिमिट। नेक्स्ट देखो 14 नंबर, 14 नंबर देखकर ही आप लोग डर गए होंगे कि ये सर कैसा क्वेश्चन आ गया, तीन गोल आ गया, तो वो भी वैसा ही बनेगा, ये ना कि मतलब कि डर जाना है, बहुत ईजी है। एक बार इसके लिए जीरो पर चेक करेंगे, एक बार एक पर, एक बार तीन पर, एक बार दस पर, चार है, तीन ही नहीं चार पर चेक करना है इसको, समझ गए। तो सबसे पहले हम चले चेक करेंगे एक्स बराबर एक पर, ठीक है, फलन की जांच मतलब संतत की जांच कर रहे हैं। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ये होता है आर एच एल और ये होता है डायरेक्ट लिमिट और ये होता है एल एच एल। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, इसके लिए एक्स बराबर एक के लिए डायरेक्ट लिमिट तो एक्स इजकल टू एक, इधर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक्स का जो मान होगा एक से बड़ा होना चाहिए, और इधर आएंगे तो एक्स का जो मान है वन से छोटा होना चाहिए। तो एक्स बराबर एक के लिए एफ एक्स का मान क्या बनेगा, देखो एक्स बराबर के लिए एफ एक्स का मान क्या बन रहा है थ्री, यहाँ पर लिखेंगे थ्री, और एक से ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा के लिए एफ एक्स का मान क्या बन रहा है चार, तो एफ एक्स का मान हो गया चार। ठीक है, और एक से कम के लिए, एक से कम के लिए भी एफ एक्स का मान क्या बन रहा है तीन, तो एफ एक्स बराबर तीन लिख दिए। अब चेक करो, अब चेक करेंगे सबसे पहले आर एच एल, परिभाषा होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच इजकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो ए, ए का वैल्यू जो जिस पर चेक करना होता है वहीं ए का वैल्यू होता है तो वन प्लस एच। अब देखो तो अब ए क्या बन रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच, ए होता है एक्स, तो देखो तो आर एच एल में एफ एक्स का वैल्यू डायरेक्ट का दिया है, कॉन्स्टेंट वैल्यू दिया गया है, तो जब भी आपको एफ एक्स इजकल टू जैसे कोई वेरिएबल के साथ नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट सिर्फ कॉन्स्टेंट दिया रहता है दो चार छः आठ इस तरह से दिया रहता है,
यहाँ पर उसको डायरेक्ट लिख लेता है, यानी उसका भी मान क्या होगा, उसका भी वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। यदि यहाँ पर लिखा रहता है एक्स प्लस 4, तो इस एक्स को यहाँ पर रख करके सॉल्व करते हैं। लेकिन यदि डायरेक्ट दिया रहता है एफ एक्स का वैल्यू, तो डायरेक्ट ही उसका आंसर हो जाता है। तो एक कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आई बात। अब चलो एल एच एल, एल एच एल में भी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ए का वैल्यू 1 माइनस एच, क्या हो जाएगा। देखो इसका भी जो एफ एक्स, एक्स का मान 1 माइनस एच बन रहा है, तो जाएंगे हम लेफ्ट लिमिट में, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 3, यानी डायरेक्ट कॉन्स्टेंट ही दिया है, तो इसका भी वैल्यू 3 हो गया। और लास्ट में डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है, डायरेक्ट मान भरना होता है, तो इसमें भी डायरेक्ट मान क्या दिया है, 3 ही, तो डायरेक्ट लिमिट भी आ गया 3। अब चेक करो तो आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर डायरेक्ट लिमिट, क्या तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो आर एच एल 4 आया है, एल एच एल 3 आया है, तो नॉट इजकल टू कह देंगे। ठीक है, तो अब नॉट इजकल टू हो गया, तो कहेंगे अतः यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अभी एक हुआ, अब इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा। अब हम 0 पर चेक करेंगे, ठीक है, x बराबर 0 पर संतत की जांच, संतत की जांच। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा x इजकल टू 1, और यहाँ पर सॉरी x बराबर 0 है ना, x बराबर 0, और यहाँ पर 0 से बड़ा होना चाहिए x, और यहाँ पर 0 से छोटा होना चाहिए x। और ये होता है एल एच एल, और ये होता है डायरेक्ट लिमिट, और ये होता है आर एच एल, ये तो सबको आता है। अब एफ एक्स का मान लिखना सीखो। एफ एक्स का मान क्या होगा, x बराबर 0 के लिए एफ एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, चेक करो, x बराबर 0 के लिए यही है ना, 3 दिया है, तो एफ एक्स का मान क्या लिखेंगे, 3। और 0 से बड़ा के लिए x क्या दिया है, वो भी 3 ही दिया है, 0 से बड़ा x, यानी इसका भी एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 3 ही दिया है। और 0 से छोटा के लिए दिया है क्या, 0 से छोटा x, इसका कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, नहीं दिया ना, देख लो इसका कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, मतलब 0 से छोटा के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 0 प्लस एच भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 माइनस एच, 0 माइनस एच लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर 0 है इधर आएगा तो 0 से छोटा ही होगा, लेकिन कोई वैल्यू इसका एफ एक्स का दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया है तो इसको छोड़ ही देंगे, लिखने से क्या फ़ायदा। ठीक है, इसको हम छोड़ दिए, जो नहीं दिया रहेगा उसको छोड़ दिया जाता है एफ एक्स का मान, क्योंकि दो ही पर चेक करना है। आइए चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले आर एच एल, आर एच एल का परिभाषा क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ए, यानी एक्स बराबर 0 है, तो 0 प्लस एच। अब देखो तो एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट दिया है, तो इसका वैल्यू 3 हो गया। अब एल एच एल तो दिया नहीं है, तो डायरेक्ट चेक करेंगे, डायरेक्ट लिमिट क्या होता है, डायरेक्ट लिमिट एक्स बराबर 0 है ना, एक्स बराबर 0, और इसका भी डायरेक्ट वैल्यू क्या दिया है, 3 ही, यानी एफ 0 इजकल टू इसका भी वैल्यू 3 आ गया, ए भी 3, ए भी 3, यानी आर एच एल बराबर में डायरेक्ट लिमिट क्या है, इक्वल है, तो बोलेंगे क्या, यह फलन संतत है। क्यों, क्योंकि आपको पढ़ाए थे कि जब आर एच एल, थ्योरी में पढ़ाए थे, जब आर एच एल एल एच एल और डायरेक्ट लिमिट, मतलब ये तीनों बराबर होगा तभी भी संतत, और नहीं तो सिर्फ आर एच एल और डायरेक्ट लिमिट भी बराबर होगा तभी भी क्या बोलते हैं, संतत। देखो इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है, तो आर एच एल और डायरेक्ट लिमिट क्या है, संतत है, ये बराबर है, तो बोलेंगे यह फलन एक्स बराबर 0 पर क्या है, संतत है, संतत है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो, अब इसमें और है ना, इसमें अभी एक और है, नेक्स्ट पेज लाते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। अब चेक करेंगे 3 पर, ठीक है, 0 और 1 पर तो चेक कर लिए, अब x बराबर 3 पर संतत की जांच, संतत की जांच चेक करो। सबसे पहले फिगर बनाइए, ये होता है x बराबर 3
और इधर जाएंगे तो 3 से बड़ा होना चाहिए x, और इधर आएंगे तो 3 से छोटा होना चाहिए x। ये होता है LHL, और ये होता है डायरेक्ट लिमिट, और ये होता है RHL। तो यहाँ से देखो x बराबर 3 के लिए एफ एक्स का मान क्या होगा, चेक करो। तो x बराबर 3 के लिए एफ एक्स का मान 5 है, और x का मान जो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा के लिए, 3 से बड़ा के लिए भी x का जो मान है वह उसका भी एफ एक्स का मान 5 ही है, और 3 से छोटा x, 3 से छोटा x उसके लिए एफ एक्स का मान क्या है, 4 है। तो एफ एक्स इजकल टू क्या हो गया, 4। ठीक है, अब पहले आर एच एल पहले प्रूव करो। आर एच एल का परिभाषा क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ए का वैल्यू एक्स बराबर 3 पर चेक कर रहे हैं ना, ए का वैल्यू 3 प्लस एच हो जाएगा। अब एक्स हो गया, अब हम चेक करेंगे एफ एक्स का वैल्यू क्या है। तो एफ एक्स का वैल्यू जो है इसका डायरेक्ट 5 दिया है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, जो कॉन्स्टेंट रहता है उसको डायरेक्ट लिख लिया जाता है। ठीक है, अब एल एच एल, एल एच एल में क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इजकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ए का मान 3 माइनस एच हो जाएगा। अब इसका एफ एक्स का मान चेक करिए, इसका भी एफ एक्स का मान डायरेक्ट दिया है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट दिया था उसका डायरेक्ट वैल्यू 4 हो जाता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है, डायरेक्ट उसको चेक करना होता है। तो एक्स बराबर 3 यानी एफ 3 इजकल टू क्या दिया, इसका भी एफ 3 इजकल टू दिया ए भी 5, तो ए भी दिया है 5। अब चेक करो, तो देखो यहाँ पर आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर में डायरेक्ट लिमिट। देखो आर एच एल और एल एच एल बराबर नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ से आर एच एल बराबर डायरेक्ट लिमिट, ए भी डायरेक्ट लिमिट 5, आर एच एल भी 5, दोनों क्या है, इक्वल है, तभी भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको संतत है। अतः एक्स बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर एच एल डायरेक्ट लिमिट भी बराबर रहेगा तो संतत बोल सकते हैं, एल एच एल यदि नहीं भी रहे तो भी। ठीक है, अब चलिए अब आ जाइए, अब आपको चेक करना है 10 पर, एक्स बराबर 10 पर संतत की जांच। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, एक्स बराबर 10, और इधर जाएंगे तो 10 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी एक्स जो है 10 से बड़ा होना चाहिए, इसको ऐसे लिखो, एक्स जो है 10 से बड़ा होना चाहिए और इधर 10 से छोटा होना चाहिए एक्स। ये होता है एल एच एल, ये होता है डायरेक्ट लिमिट, और ये होता है आर एच एल। अब इसके लिए एक्स बराबर 10 के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, देखो 10 के बराबर के लिए एफ एक्स का वैल्यू 5 बन रहा है, और 10 से बड़ा के लिए, 10 से बड़ा के लिए, 10 से बड़ा के लिए तो है ही नहीं, इसका कोई एफ एक्स का वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, 10 से छोटा के लिए, 10 से छोटा के लिए एफ एक्स का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर एफ एक्स इजकल टू 5 हो गया। ठीक है, अब चेक करो, आर एच एल तो चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका एफ एक्स का वैल्यू ही नहीं दिया है, तो एल एच एल और डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट नहीं बल्कि एल एच एल चेक करते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। तो यहाँ पर देखो लिमिट एच टेंस टू 0 ए का वैल्यू क्या है, एक्स बराबर 10 पर चेक करना है ना, तो 10 माइनस एच। अब देखेंगे एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, डायरेक्ट इसका कॉन्स्टेंट दिया है, तो कॉन्स्टेंट जब दिया रहता है उसको डायरेक्ट लिख लिया जाता है। एल एच एल आ गया 5। अब डायरेक्ट चेक करो, डायरेक्ट में क्या करते हैं, डायरेक्ट में आपको जो दिया रहता है एक्स बराबर 10 उसी को चेक कर लिया जाता है, यानी f 10, इसका एक्स का वैल्यू क्या दिया है 5, यानी 5, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू रहता है जब भी उसको डायरेक्ट लिख लिया जाता है। अब यहाँ देखो तो एल एच एल और डायरेक्ट लिमिट दोनों तो इक्वल है, लेकिन आपका जो आर एच एल है वो तो दिया है नहीं। जब आर एच एल ही नहीं दिया तो फिर आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि आर एच एल और एल एच एल और डायरेक्ट लिमिट ये तीनों इक्वल हो तो संतत बोल सकते हो भाई, लेकिन यदि आर एच एल और डायरेक्ट लिमिट यदि ये भी इक्वल हो तभी भी संतत बोल सकते हो, लेकिन जब एल एच एल और डायरेक्ट लिमिट बराबर होगा तो उसको संतत नहीं बोल सकते हैं। तो क्या कहेंगे, अतः यह एक्स बराबर 10 पर संतत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 15 नंबर,
एफ एक्स बराबर टू एक्स यदि एक्स छोटा है जीरो से, जीरो यदि जीरो से बड़ा है बराबर एक्स, एक से छोटा है बराबर फोर एक्स यदि एक से बड़ा है एक्स। यानी इस क्वेश्चन में भी जीरो पर भी चेक करना होगा और एक पर भी चेक करना होगा। तो सबसे पहले एक्स बराबर जीरो पर चेक करते हैं फलन की संतत की जांच, एक्स बराबर जीरो पर संतत की जांच। ओके, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फिगर बनाइए, जिनको फिगर बनाने आ गया फिर समझिए कि उनको सब कुछ आ गया, ठीक है। एक बार जीरो से बड़ा होगा एक्स और एक्स बार छोटा भी होगा। ये होता है LHL, ये होता है डायरेक्ट और ये होता है RHL, समझ में आ रही बात। अब यहाँ से इसके लिए एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसके लिए एफ एक्स का जो वैल्यू होगा, देखो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा एक्स बराबर जीरो के लिए ना यहाँ पर है वो दिया है जीरो, जीरो से बड़ा के लिए, जीरो से बड़ा के लिए भी एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है वो भी दिया है जीरो, और जीरो से छोटा के लिए, जीरो से छोटा के लिए दिया है टू एक्स। ये देखो एफ एक्स का वैल्यू टू एक्स दिया है। अब चेक करो बारी बारी से, सबसे पहले आर एच एल चेक करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट, परिभाषा होता है एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो ए का वैल्यू यानी एक्स बराबर जीरो पर चेक करना है तो वहीं ए का वैल्यू हो जाएगा तो जीरो प्लस एच। अब एक्स का वैल्यू बन रहा है जीरो प्लस एच, लेकिन हम देख रहे हैं कि एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है डायरेक्ट कॉन्स्टेंट दिया है तो वहीं वैल्यू हो जाता है। अब हम चेक करेंगे LHL, LHL में क्या रूल है, पहले डिफिनेशन लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए का तो वैल्यू जीरो है जीरो माइनस एच। अब हम चेक करेंगे एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है टू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है जीरो माइनस एच, टू का टू और एक्स का मान क्या है जीरो माइनस एच, यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखना नहीं भूलिए, ठीक है। अब जब एच का मान जीरो भर देंगे तो लिमिट भूल जाइएगा, तो जीरो टू इंटू जीरो माइनस जीरो यानी टू और जीरो में से जीरो जाएगा वो भी आएगा जीरो, यानी जीरो से किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वो भी आ गया जीरो। अब चेक करेंगे डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट क्या है एक्स बराबर जीरो पर चेक करना है तो ए हो गया एफ जीरो, एफ जीरो का वैल्यू क्या दिया है डायरेक्ट जीरो, ये आ गया जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो और ए भी जीरो, यानी यहाँ से आर एच एल बराबर में एल एच एल और बराबर में डायरेक्ट लिमिट तीनों क्या हो गया इक्वल। जब इक्वल हो गया तो क्या कहेंगे, अतः यह फलन एक्स बराबर जीरो पर क्या है संतत है, संतत है हमारा आंसर। अब इसमें तो एक और क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है कि एक्स बराबर एक पर भी चेक करना है संतत की जांच, चलिए यहीं पर सॉल्व करते हैं एक्स बराबर एक पर संतत की जांच। क्या हो जाएगा, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ए हो गया आपका फिगर, ए हो गया एल एच एल, ए हो गया डायरेक्ट लिमिट और ये हो गया आर एच एल। अब क्या करेंगे एक्स बराबर एक, यहाँ पर एक से बड़ा होना चाहिए एक्स ना, एक से बड़ा होना चाहिए एक्स और यहाँ पर एक से छोटा होना चाहिए एक, ठीक है एक से छोटा होना चाहिए एक्स। अब यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स बराबर एक के लिए एफ एक्स का वैल्यू चेक करिए, एक्स बराबर एक के लिए एफ एक्स का वैल्यू बन रहा है भैया जीरो, तो लिख दो जीरो। एक से बड़ा के लिए एक्स, एक से बड़ा के लिए एफ एक्स का वैल्यू बन रहा है फोर एक्स, तो लिख दो फोर एक्स, एफ एक्स का वैल्यू बना फोर एक्स। अब एक बार एक से छोटा के लिए एक्स का वैल्यू, एक से छोटा के लिए एफ एक्स का वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर भर दो एफ एक्स का वैल्यू जीरो। अब चेक करो पहले आर एच एल, आर एच एल में क्या होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, तो यहाँ से ए का वैल्यू जीरो है ना, एक है एक है एक है, एक्स बराबर एक पर चेक करना है ना, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच, यहाँ से एक्स का वैल्यू बन गया वन प्लस एच और ये है आर एच एल, तो आर एच एल में एफ एक्स का वैल्यू फोर एक्स दिया है, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फोर का फोर, एक्स का मान बन रहा है वन प्लस एच। अब क्या करेंगे एच का मान जीरो भर देंगे तो फोर इंटू वन प्लस जीरो बराबर फोर। अब एक बार चेक करेंगे एल एच एल, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच। अब देखिए तो एफ एक्स का वैल्यू एल एच एल में क्या बन रहा है जीरो, डायरेक्ट यानी कॉन्स्टेंट है उसका वैल्यू आ गया जीरो। अब हम डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे, डायरेक्ट लिमिट में एक्स बराबर जीरो पर चेक करना है यानी एफ जीरो,
एफ जीरो का मान क्या दिया है, जीरो, ये भी आ गया जीरो। यहाँ से देखो तो हम देख रहे हैं कि आर एच एल, जगह नहीं है तो यहाँ पर बना लेते हैं, आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर डायरेक्ट लिमिट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डायरेक्ट लिमिट जीरो है और एल एच एल भी जीरो है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। जब आर एच एल ही किसी के साथ बराबर नहीं होता है तो फिर क्या कहेंगे, अतः यह फलन एक्स बराबर एक पर संतत नहीं है। इसको लिख लीजिएगा, अतः एक्स बराबर एक पर फलन संतत नहीं है, जगह नहीं बचा इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक, तो आप लोग इसे बना लेना, कोई दिक्कत। चलिए 15 हो गया, अब 16 देखिए। 16 क्या है, 16 है कि एफ एक्स बराबर माइनस दो यदि माइनस एक से छोटा है, एक से बराबर, बराबर भी है छोटा भी है, और 2x ए दिया है और 2 ए दिया, मतलब इसमें भी माइनस एक पर और प्लस एक पर दो को चार्ज करना है, एक नहीं से होगा, मतलब एक से नहीं होगा। इसके लिए भी पहले हम x बराबर माइनस एक पर संतत की जांच करते हैं, फिर प्लस पर जांच कर लेंगे। संतत की जांच तो क्या हो जाएगा, पहले फिगर बनाओ x बराबर माइनस एक के लिए, एक बार x बड़ा होगा माइनस एक से, और एक माइनस एक से क्या होगा x, सॉरी एक बार क्या होगा छोटा ना, x जो होगा माइनस एक से छोटा होगा, x माइनस एक से छोटा, क्यों, क्योंकि ये होता है डायरेक्ट लिमिट, ये होता है आर एच एल और ये होता है एल एच एल। अब यहाँ से x बराबर माइनस एक के लिए एफ एक्स का मान क्या बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, माइनस एक, माइनस टू बन रहा है। माइनस एक से बड़ा के लिए एफ एक्स का मान, माइनस एक से बड़ा x, इसके लिए 2x बन रहा है, तो ये हो गया 2x। और छोटा के लिए भी क्या बन रहा है, माइनस टू, तो ये भी हो गया एफ एक्स बराबर माइनस टू। ठीक, फिगर तो बनाने सबको आ गया, अब क्या करेंगे, इसको आर एच एल पहले सॉल्व कर लेंगे। आर एच एल क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, तो ए का वैल्यू एक्स बराबर माइनस एक पर चेक करना है ना, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस वन प्लस एच, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये पूरा क्या बन रहा है x। अब हम चेक करेंगे कि आर एच एल में क्या दिया है, एफ एक्स का वैल्यू 2x, तो ए हो जाएगा 2 इंटू माइनस वन और प्लस एच। अब क्या करेंगे, एच का मान जीरो भर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस वन प्लस जीरो, तो माइनस टू इंटू माइनस वन गुना कर देंगे प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, अब एल एच एल, एल एच एल में क्या होता है, परिभाषा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए का मान माइनस वन माइनस एच, इसके लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या बन रहा है, माइनस टू, यानी डायरेक्ट आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो डायरेक्ट उसका माइनस कॉन्स्टेंट वैल्यू ही लिख देंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट में क्या दिया है, एक्स बराबर माइनस एक रखना है ना, तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस वन, इसका वैल्यू क्या दिया है, माइनस टू, डायरेक्ट दिया है तो माइनस टू हो गया, तो क्या होगा, आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर में डायरेक्ट लिमिट। क्या देखो तो आर एच एल और एल एच एल बराबर है, नहीं है, क्योंकि प्लस है माइनस है, बराबर नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे, अतः यह फलन संतत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आर एच एल और डायरेक्ट लिमिट भी बराबर आता तो संतत बोल सकते हैं, लेकिन ये भी बराबर नहीं है, ये माइनस दो है और ये दो है, बराबर तो नहीं है, इसलिए फलन संतत नहीं है लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और देखो, ये तो x बराबर माइनस एक पर ना चेक किए, अभी एक x बराबर एक पर भी चेक करना होगा। x बराबर एक पर फलन की जांच, x बराबर एक पर फलन की जांच, फिगर बनाइए, x बराबर एक, एक बार एक से बड़ा होना चाहिए x, और एक से एक बार छोटा होना चाहिए x। ठीक है, एक बार बराबर, एक बार एक से बड़ा और एक बार एक से छोटा, तो ये होता है एल एच एल, और ये होता है डायरेक्ट, और ये होता है आर एच एल। सबसे पहले इसके लिए एफ एक्स का मान क्या बनेगा, यही मेन चीज है, एफ एक्स का मान एक्स बराबर एक के लिए बराबर है ना, एफ एक्स के लिए 2x बन रहा है। यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या बनेगा, एक से बड़ा के लिए, एक से बड़ा के लिए 2 बनेगा, एक से छोटा के लिए भी माइनस सॉरी 2x ही बनेगा, एफ एक्स बराबर 2x। अब चेक कर लो, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट यानी आर एच एल क्या होता है, परिभाषा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ
ए प्लस एच, यहाँ से ए का वैल्यू एक्स बराबर एक पर चेक करना है ना, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच। अब यहाँ देखो एक्स का वैल्यू बन रहा है वन प्लस एच, अब एफ एक्स चेक करेंगे डायरेक्ट दे रहा है कॉन्स्टेंट वैल्यू टू, डायरेक्ट इसका टू हो जाता है। यदि कुछ दिया रहता है तो इसको रखा जाता है, लेकिन डायरेक्ट दिया रहता है तो उसको डायरेक्ट ही लिख लिया जाता है। अब एल एच एल चेक करो, ए हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच। अभी देखो एक्स का वैल्यू वन माइनस एच बन रहा है, तो एफ एक्स का वैल्यू टू एक्स बन रहा है, तो क्या करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो टू, एक्स का वैल्यू वन माइनस एच बन रहा है ना, तो क्या करेंगे वन माइनस एच। ठीक है, अब एच का मान जीरो भर दो, तो टू इंटू वन माइनस जीरो ये हो जाएगा टू। अब डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट में एक्स बराबर एक है ना, एक्स बराबर एक, और एफ वन बराबर क्या दिया है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स ना, तो टू एक्स का मान वन भर दो, ये आ गया टू, ए भी टू ए भी टू ए भी टू, यानी यहाँ से आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर डायरेक्ट लिमिट, तीनों क्या है इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तब बोलेंगे अतः यह फलन एक्स बराबर एक पर क्या है संतत है। अब देखो बाबू यहाँ तक आप लोगों का जो क्वेश्चन था ना वो बहुत इजी था, एक से लेकर के अभी हम 16 तक जो क्वेश्चन बनाए हैं बहुत इजी है, लेकिन जो अब 17 से स्टार्ट होगा ना वो आपको 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आते रहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए हम उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं 17 नंबर किस तरह का क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए 17 है बहुत इंपॉर्टेंट, यदि सॉरी 17 है बहुत इंपॉर्टेंट, ए और बी के उन मान को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर इतना पर परिभाषित फलन एक्स बराबर तीन पर संतत है। देखो एक्स बराबर तीन पर बोल दिया है कि संतत है, लेकिन आपको जांच करना होगा है कि नहीं है, तो पहले जांच और उसके बाद इसी के मदद से आपको ए और बी का मान भी निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले तो जो आप लोग बेसिक अभी एक से लेकर 16 तक पढ़े हो एक्स बराबर तीन पर जांच करो, एक्स बराबर तीन पर संतत की जांच, संतत की जांच। ठीक है, ये देखो फिगर बना लो, ये होता है एल एच एल, ये होता है डायरेक्ट और ये होता है आर एच एल, ये होता है एक्स बराबर थ्री, इधर होगा एक्स थ्री से बड़ा और इधर होगा एक्स क्या बोलते हैं इसको थ्री से छोटा। ठीक है, तो एक्स बराबर थ्री के लिए एफ एक्स का मान बराबर के लिए ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस वन है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस वन है। तीन से बड़ा के लिए, तीन से बड़ा के लिए बी एक्स प्लस थ्री है, बी एक्स प्लस थ्री है, और तीन से छोटा के लिए एक्स प्लस वन है, तो एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस वन है। ठीक है, अब चेक करो सबसे पहले आर एच एल, आर एच एल में क्या होता है परिभाषा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए, एक्स बराबर तीन है ना, तो तीन प्लस एच। अब क्या करेंगे ई एक्स बन गया, एक्स को क्या रखेंगे यहाँ पर एफ एक्स में, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो बी एक्स की जगह थ्री प्लस एच, थ्री प्लस एच अब प्लस थ्री, अब एच का मान जीरो भर दो, तो क्या हो जाएगा बी थ्री प्लस जीरो अब प्लस थ्री, इसको गुना करा दो तो थ्री बी प्लस थ्री इतना आ गया आर एच एल। अब चेक करेंगे एल एच एल, एल एच एल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो थ्री माइनस एच हो जाएगा। अब थ्री माइनस एच को कहाँ पर रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए एक्स का वैल्यू क्या भर देंगे थ्री माइनस एच और प्लस वन। अब क्या करेंगे एच का मान जीरो भर देंगे, तो ए थ्री माइनस जीरो अब प्लस वन, तो ए हो जाएगा थ्री ए प्लस वन, ये नाइन नहीं है ए है। अब डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है एक्स बराबर थ्री भरना है, तो ए हो जाएगा एफ थ्री इजकल टू एक्स प्लस वन है ना, ए हो जाएगा थ्री ए अब प्लस वन, क्योंकि एक्स का मान थ्री भर दिया तो थ्री ए प्लस वन हो गया।
अब देखो ये तो हम चेक किए कि यहाँ पर 3b+3 है और 3a+1 है, 3a+1 है, मतलब हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट लिमिट और LHL लिमिट ये बराबर नहीं है। देखो इसका इतना आया है, इसका इतना आया, ये दोनों बराबर है लेकिन RHL बराबर है नहीं है, तो फिर ये संतत कैसे हुआ? तो आपको पहले से ही परिभाषित कर दिया गया है, आपको संतत करने या ना करने से कोई मतलब नहीं है, आपको दिखाना ही नहीं है कि संतत है कि नहीं है, क्योंकि परिभाषित है मतलब पहले से इसको कर दिया गया है। आपका मेन काम है कि इसको पहले बनाओ, आपको ये नहीं बताना है कि नहीं है, आपको काम है कि ए बी का मान बताइए, ए बी का मान बताइए, ये पहले से परिभाषित कर दिया गया है। संतत होगा चाहे नहीं होगा, गलती होगा सही होगा उससे कोई मतलब नहीं है, पहले से आपको फाइंड कर दिया गया है, पहले से डिफाइंड कर दिया गया क्वेश्चन के संतत है, संतत है तो आपको ए और बी का मान निकालना है। तो ए और बी का मान कैसे निकालता है, पहले दिखाना पड़ता है बराबर हो चाहे नहीं हो, हमें ए और बी का मान निकालना है। तो एक उपाय बताओ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3b+3 है और यहाँ पर 3a+1 है, ये दोनों क्या है? यदि इनको हम, ठीक है, इनको यदि हम इक्वल कर देते हैं तो क्या होगा? क्या देखो आपको तो पता है ना कि संतत के लिए क्या होता है, RHL बराबर LHL बराबर डायरेक्ट लिमिट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि RHL और LHL और डायरेक्ट लिमिट दोनों क्या है, DL और LHL दोनों क्या है, इक्वल है। तो दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, या तो LHL लिख लो नहीं तो DL लिख लो, तो हम LHL ही लिख लेते हैं कि दोनों इक्वल है। तो RHL का वैल्यू लिखो 3b+3 और LHL का 3a+1। ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि हमें A और B का मान निकालना है। जब दो चीज़ एक ही जैसा होगा तो दोनों लिखने से क्या फायदा, एक ही पर काम चला लेंगे। और आपको पता है कि संतत होने के लिए क्या होता है, ये तीनों बराबर होना चाहिए, तो बराबर तो है ये दो, दो पर हम मान निकाल रहे हैं। देखो क्या करेंगे, 3b ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, ए वन है ए प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से देखो 3 कॉमन ले लो, बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब ये गुना कर रहा है ना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो ए हो जाएगा बी माइनस ए बराबर -1/3। बी माइनस ए बराबर कितना आ गया, बी माइनस ए बराबर -1/3 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको आगे और बढ़ाते हैं हम। देखो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है क्या, कि यहाँ पर +3 था ना, यहाँ पर हम -2 लिख लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर -2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2/3। ओके अब देखो बी माइनस ए बराबर -2/3 आ गया, अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखो, अब हम यहाँ से यदि हम b का मान निकालना चाहते हैं तो b का यदि मान निकालना चाहते हैं क्या हो जाएगा, -2/3 और माइनस से है इधर आएगा तो प्लस ए हो गया, तो b बराबर इतना आ गया। ठीक है, थोड़ा कलम भी मेरा समाप्त हो गया, देखो b का वैल्यू इतना आ गया। अब a का भी वैल्यू निकालना था, तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो a का वैल्यू ए माइनस है ना इधर आ जाएगा, तो b+2/3 माइनस तो प्लस बराबर में ए, तो ए हो गया ए का वैल्यू और ए हो गया बी का वैल्यू, तो ए हमारा ए और बी का वैल्यू आ गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत बात आ रही है कि ए का वैल्यू यदि ऐसा आ जाता कि 2, 3, 4 इस तरह से आ जाता तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा देखो ए और बी में है और डायरेक्ट हमें पता भी नहीं है कि ए और बी का मान क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम इतना ही पर छोड़ देंगे, अतः लिखेंगे ए का मान इतना और बी का मान इतना, बस इतना ही पर आपका काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही था, ए और बी का हम लोगों ने मान इसका निकाल दिया, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, बस इतना कर दोगे, अतः लिख करके ए और बी का मान बस आंसर। अब एक और देखो ऐसा ही है, लेमडा, इसको क्या बोलते हैं, लेमडा, लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स का वैल्यू इतना द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसकी संतता के विचार कीजिए। देखिए ये बोलने, इसका कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ना, x बराबर 0 पर संतत है, क्या है, x बराबर 0 पर संतत है, ये पहले से कह दिया गया है, ठीक है, पहले से कह दिया गया है, लेकिन आपको चेक भी करना है 0 पर भी और 1 पर भी। तो पहले हम 0 पर चेक करते हैं, एक्स बराबर 0 पर संतत की जांच क्या हो जाएगा, फिगर बना लो, एक्स बराबर 0, 0 से बड़ा एक्स और एक बार 0 से छोटा एक्स, ये होता है LHL, ये होता है डायरेक्ट और ये होता है RHL,
ए हो जाएगा एफ एक्स, इसके लिए एक्स बराबर जीरो के लिए एफ एक्स समान ए दिया है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और जीरो से बड़ा के लिए, जीरो से बड़ा के लिए ए दिया है फोर एक्स प्लस वन, फोर एक्स प्लस वन, और जीरो से छोटा के लिए भी क्या दिया है, जीरो से छोटा के लिए भी यही दिया है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है, अब चेक करो पहले आर एच एल, आर एच एल में क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, ए का वैल्यू तो जीरो है, ए हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, अब एक्स जहाँ जहाँ है जीरो प्लस एच भर दो, तो फोर जीरो प्लस एच और प्लस वन, यहाँ पर लिमिट रखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब एच का मान जीरो रखो तो फोर जीरो प्लस जीरो प्लस वन, ये तो जीरो हो जाएगा अब प्लस वन है तो ए वन आ गया। अब एल एच एल, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए का मान जीरो है जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब एक्स का जगह जीरो माइनस एच भरो इसमें, तो लेमडा जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस टू जीरो माइनस एच, तो लेमडा यहाँ पर जीरो भरेंगे जीरो का स्क्वायर जीरो, टू यहाँ जीरो भरेंगे जीरो में से जीरो ए भी जीरो, यानी सब हो जाएगा ए जीरो। अब डायरेक्ट लिमिट एक्स बराबर जीरो भरो, तो एफ जीरो बराबर इसमें जहाँ जहाँ एक्स है क्या भरना है जीरो, तो लेमडा जीरो का स्क्वायर जीरो, ये भी हो जाएगा सब जीरो। अब ये देखो जीरो और ए जीरो और एक, तो क्या लेमडा के किस मान के लिए परिभाषित फलन एक्स बराबर जीरो पर संतत है संतत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एल एच एल और आर एच एल, यानी आर एच एल और एल एच एल बराबर ही नहीं है, जब बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, लेमडा के किसी भी मान के लिए सत्य नहीं है, एक्स बराबर जीरो पर लेमडा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए क्या है, संतत नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लिया जाए, क्या है कि x बराबर एक पर आप चेक करके हमें बताइए, सबसे पहले फिगर आर एच एल डायरेक्ट एल एच एल, एक्स बराबर एक इधर जाएगा तो एक से बड़ा होना चाहिए और इधर एक से छोटा होना चाहिए, x बराबर एक, एक्स एक के बराबर कोई एफ एक्स बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसके लिए भी नहीं बन रहा है और इसके लिए भी नहीं और इसके लिए भी नहीं, किसी के लिए भी एफ एक्स का वैल्यू बन ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि डायरेक्ट तो एक्स बराबर एक के लिए नहीं दिया है, लेकिन जीरो से बड़ा कहने का मतलब क्या होता है, जीरो से बड़ा मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सबके लिए क्या है, ए फोर एक्स प्लस वन है, तो देखो जीरो से बड़ा के लिए यहाँ पर एफ एक्स का जो मान बनेगा वो क्या बनेगा, फोर एक्स प्लस वन, एक से बड़ा के लिए भी एफ एक्स का जो मान बनेगा वो बनेगा फोर एक्स प्लस वन, और यहाँ पर एक से छोटा मतलब जीरो से जीरो, एक्स के लिए एफ एक्स ए बन जाएगा, समझ में आई बात, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। एक बार फिर से समझो, एक्स बराबर एक पर चेक करना था, हम देख रहे हैं कि एक्स बराबर एफ के लिए कोई फलन दिया ही नहीं है, एफ एक्स का मान दिया ही नहीं है, लेकिन एक तो बात लिखा है कि जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा क्या होता है एक दो तीन चार किसी भी के लिए ए एफ एक्स का मान बन रहा है, तो एक्स बराबर एक के लिए भी यही बनेगा, इससे ज़्यादा के लिए भी यही बनेगा, और कम के लिए एक से कम यानी जीरो, जीरो के लिए तो बन रहा है, तो ए हो जाएगा। अब इसको चेक कर लो, सबसे पहले आर एच एल, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एक है ना, तो एक प्लस एच, तो एक्स का मान बन गया एक प्लस एच, अब क्या करेंगे इसको रख देंगे एफ एक्स में, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फोर एक्स, तो फोर वन प्लस एच और प्लस वन, एच का मान भर दो जीरो, तो फोर वन प्लस जीरो और प्लस वन, फोर वन फोर और वन फाइव आ गया। अब एल एच एल, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, ए हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, यहाँ एफ लिखना भूल गए, एफ वन माइनस एच हो जाएगा ना, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो
इसके लिए देखो ए बन रहा है, तो लेमडा एक्स, एक्स का मान 1 का स्क्वायर माइनस 2 एक्स का मान 1, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 लेमडा एक्स का मान 1 माइनस एच है, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस एच, अब एच का मान 0 भर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से भी 0 आ जाएगा, क्योंकि एच का मान 0 भरेंगे तो 1 यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो गया लेमडा माइनस 2, एल चला गया लेमडा माइनस 2। अब डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट x बराबर 1, तो एफ 1 बराबर जहाँ जहाँ x है क्या भर देंगे 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 ये कितना आ गया 5। यहाँ देखो तो आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर डायरेक्ट लिमिट, ये दोनों बराबर तो नहीं है लेकिन आर एच एल बराबर डायरेक्ट लिमिट बराबर है, ये 5 और ये भी 5, तो जब आपको पता है ना संतत के लिए आर एच एल और डायरेक्ट लिमिट बराबर होगा तभी भी क्या बोलेंगे संतत है, तो क्या बोलेंगे, अतः लेमडा के x बराबर 1 के लिए सभी मान पर संतत फलन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि हम लोग आज 13 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिसमें 17 और 18 सबसे इंपॉर्टेंट है, 13, 14, 15 भी इंपॉर्टेंट है, 16 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारा जो 17 है ना, 17 सबसे ज़्यादा VBI क्वेश्चन है, ये अक्सर आते रहता है, इसको ध्यान से बनाइएगा, भले 18 बनाए चाहे ना बनाए लेकिन 17 को ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, ओके। और जिनको फुल कोर्स करना होगा, मेंबरशिप में ज्वाइन करना होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं 8383896119 पर, ओके। जिनको अच्छे से क्लास करनी है वो ज्वाइन जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, और जो 17 क्वेश्चन है, 18 भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, 18 उतना अच्छा नहीं है। अभी हमने जैसे 13, 14 देखा, 14 भी अच्छा है, 13 भी ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सारे क्वेश्चन अच्छा लगता है कि प्रश्न आएगा वो प्रश्न आएगा, लेकिन जानते हो प्रश्न आते कौन है, जो थोड़ा सा भी लेंदी ना हो, मतलब कि डिफिकल्ट ना हो, जो सीधा सीधा कंसेप्ट दिखता है वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा, समझ गए ना। तो बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो आप लोग को हमेशा थोड़ा लगता है कि हाँ डायरेक्ट बन जाएगा, और स्टेट बोर्ड होता है ना, स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कहते आप लोगों से, वैसा ही क्वेश्चन किया जाएगा जो बच्चे सब लोग बना लें, ठीक है, 80% बच्चे जो बना लेते हैं वही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो कोई बोर्ड में हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, इजी ही आता है, बस आप मेहनत करते जाओ, और NCERT जो बुक है इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना 100 में 100 गारंटी आएगा, थ्योरी एग्जाम्पल और पूरा एक्सरसाइज, सिर्फ NCERT कंप्लीट करते हो तो 100 में 100 गारंटी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए कि आज की क्लास आप लोग का अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कैसा क्लास लगा, और जहाँ भी कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के साथ।